दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और आप सारे लोग ये तो जान ही गए होंगे कि मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, तो मेरे आते ही आप समझ जाते होंगे कि भाई ये मैम तो हिंदी पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने हिंदी का वीडियो। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं जो आपको त्रुटियां निकालनी है, इस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और अगर आपने कॉन्सेंट्रेट करके इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस गलत होने के हमारे चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि ये सारे त्रुटियों वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें से एक ऑप्शन में आपको एक गलती मिलेगी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो अगर आपको किसी ऑप्शन में गलती मिल जाती है तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और अगर चारों ऑप्शंस में से कोई भी एक गलती नहीं है तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 5 यानी कि ई हो जाएगा। ये सारे सेंटेंस त्रुटि रहित हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों का देश है, जो हमारा देश है विभिन्न संस्कृतियों का देश है, जो समूचे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है। देखिए ये दो हमने पढ़े तो हमें कुछ नहीं लगा गलत, ठीक है, लेकिन अगर कोई देश होगा और अपनी किसी विशेषताओं के कारण कहीं पे अगर विश्व में अपनी पहचान रखता होगा, रखती तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, विशेष पहचान रखती है, यानी कि यही हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है आप पांचों पढ़े, अगर आपको कहीं पे गलती लग रही है तो हाँ भाई ये गलत है तो है, इसको प्रमाण करने के पूरा पढ़ के अपना टाइम क्यों एग्जाम में वेस्ट करें, क्योंकि एग्जाम का एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अपने ही इतिहास के पन्ने को, मतलब यदि हम अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हम यही जाते हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और पलट कर क्या हम कहीं जाएंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पलट कर देखें तो हम यही पाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या, यही जाते हैं, यानी कि यही ऑप्शन हमारा गलत हो गया ना, हमने दूसरा ही पढ़ा और दूसरे में हमें सारी गलती नजर आ गई, तो यहाँ पे ये जाते नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या होगा, पाते हैं, यानी कि यहीं पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी शूद्र मानसिकता से स्वयं को दूर रखें। ठीक है, यानी कि अभी ये चारों लाइन सही है, कुछ ने कुछ भी गलत नहीं दिया गया, चौथी लाइन भी देख लेते हैं, तथा इसमें बाधक समस्त तत्वों का बहिष्कार करें। मतलब कि जो हमने चार लाइनों में जो भी हमने पढ़ा ये तो एकदम से करेक्ट है ना, यानी कि इन चारों लाइनों में हमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं देखने को मिली, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 यानी त्रुटि रहित, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपनी असफलताओं का दोष भाग्य पर डालकर निराश बैठने से हम कभी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए एकमात्र साधन परिश्रम होता है। देखिए हमें तो यहाँ पे जो मैं सारे लाइन पढ़ी है तो कोई गलत नहीं, क्योंकि भाग्य पे भरोसा रखने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, तो भाग्य के साथ साथ आपको आवश्यकता है बहुत ज्यादा मेहनत करें, जिस चीज को पाना है कम से कम आप उसके लायक तो बनिए तभी तो वो चीज मिलेगी। आप भाग्य पे आपके पास खाना परोसा हुआ रखा है, भाई हमारा भाग्य होगा तो ये उठ के मेरे मुंह में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, जब तक आप अपने हाथ को कष्ट नहीं देंगे, वो वाइट नहीं तोड़ेगा, उसमें सब्जी नहीं लगाएगा, तब तक वो कैसे आपके मुंह में आ जाएगा, क्योंकि भाग्य है हमारा कि वो थाली हमारे तक आ गई है, अब परिश्रम हमको उसको खाने में करना है, तो मतलब भाग्य के साथ साथ हमारा परिश्रम भी आवश्यक होता है, यानी कि ये जो है यहाँ पे जो सारी चारों लाइनें दी हैं वो एकदम से करेक्ट दी हैं, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई
गलती नहीं मिली है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुशासित छात्र समाज व देश के लिए उपयोगी बन उन्नति में सहायक होते हैं, अनुशासन बाहरी नियंत्रण से कम और आत्म नियंत्रण से अधिक जाता है। लो इसमें हमको गलती मिल गई ना, और आत्मनियंत्रण से अधिक आता है, क्या आता है, और ये क्या है जाता है, तो ये जाता है यहाँ पे नहीं होगा, इसी में त्रुटि है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस में भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं तथा साहित्य की पहचान 20वीं सदी के छठे दशक से शुरू हो गई थी। यानी कि अब यहाँ पे आप देखिए किसी तरीके की कोई गलती नहीं लग रही, क्योंकि इन सेंटेंस में जो भी लिखा है वो शत प्रतिशत सही है, तो यहाँ पे कुछ त्रुटि नहीं है, ना कोई व्याकरण से रिलेटेड, ना कोई शब्द से रिलेटेड, ना कोई हिंदी से रिलेटेड, ना कोई सेंटेंस से रिलेटेड, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, त्रुटि रहित, यानी कि ये वाक्य जो है वो त्रुटि रहित वाक्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दलित को समझे बिना दलित चेतना को नहीं समझा जा सकता, करेक्ट है, दोनों लाइनें सही हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, दलित को लेकर साहित्यकारों की अपनी अपनी राय है, दलितों को लेकर हर साहित्य की अपनी अपनी राय है, ठीक है, ये भी लाइन सही है। अगली लाइन देखते हैं, क्या उसमें कोई गलती है, वामपंथी साहित्यकारों की दृष्टि ने दलितों का अभिप्राय सर्वाहार है। दृष्टि ने क्या होता है भाई, दृष्टि में होता है, क्योंकि अगर कोई वामपंथी साहित्यकार है तो उसकी नजर में होगा, नजर ने तो नहीं होगा, और नजर को ही हम दृष्टि बोलते हैं, तो यानी कि यहाँ पे यही गलत हो गया, ये ने नहीं होगा, यहाँ पर आपका मे होगा, यानी कि यही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, जब व्यक्ति आजाद होता है तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से, यानी कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है सही है, किसी भी तरीके की किसी भी लाइन में कोई गलती नहीं है, दूसरों के सामने छुपाने का मौका मिलता है, क्या कुछ गलती लगी आप लोगों को बताइए भाई। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किसी प्रकार की कोई त्रुटि है भाई, त्रुटि तो दे रखी है ना यहाँ पे, यहाँ पे ये छुपाने जो है वो तो गलत लिखा हुआ है, दूसरों के सामने दिखाने, दूसरों के सामने दिखाने का मौका मिलता है, यानी कि ये गलत हो गया ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भाषा की इस प्रकार की लिंग भेदी प्रवृत्ति अधिक सभ्य जातियों भाषाओं में अधिक स्पष्ट होती है तथा कम सभ्य या असभ्य जातियों की भाषाओं में कम स्पष्ट या अस्पष्ट होती है। तो देखिए यहाँ पे जो सारी लाइंस लिखी हुई हैं आपकी, इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार की कौन सी गलती है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे गलती यहाँ पे देखते हैं, अधिक सभ्य जातियों की भाषाओं में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमको गलत निकल गया ना भाई, हमने पढ़ा यहाँ पे, हमने पूरा मैंने देखा कि भाई आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई गलती है, हमको बताते हैं कि नहीं, मुझे करेक्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन आप लोग पूरा देखते चले गए, देखते हैं इसमें गलती नहीं तो इसमें होगी, नहीं तो इसमें होगी, मतलब एक तुक्का मारते हैं आप चले गए, नहीं देखा। तो यहाँ पे जो अधिक सभ्य जातियों और व्यक्तियों की भाषाओं की जातियों की भाषाओं में, यानी कि यहाँ पे की होगा जो कि नहीं है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो है, देर से ही सही लेकिन कई इतिहासकारों ने
कई ऐसे दस्तावेजों को खोज निकाला, मतलब कि सही है भी, जिन्होंने आजादी की तंग में महिलाओं के संघर्ष और उनकी भागीदारी को सामने लाकर रख दिया। यानी कि जो आपके इतिहासकार थे उन्होंने ऐसा दस्तावेज खोज निकाले जो आजादी की जंग, आजादी की जंग में महिलाओं का संघर्ष। तो यहाँ पे यानी कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे गलती निकल गई और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया। तंग की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जंग होगा। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। लाइक कर दीजिए फटाफट से हमारे वीडियो को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी के नेतृत्व में खल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में, खल रहे, कुछ गलत नहीं लग रहा आपको यहाँ पे, कुछ तो गलत है ना, ये खल रहे क्या होता है भाई, चल रहे ना, क्योंकि खल रहे तो नहीं हो सकता। गांधी के नेतृत्व में जो चल रहे होंगे स्वतंत्रता के आंदोलन, यहाँ पे कह रहा है खल रहे, यानी कि गलती मिल गई ना आपको पहले ही ऑप्शन में, यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है आपका, नव जागरण और सुधार के दौर में हर मुल्क का मध्य वर्ग और अपनी विवाह धर्म और परिवार की संरचनाओं का पुनर्गठन करता है। जो भी है सारी लाइनों में किसी प्रकार की कोई गलती देखने को नहीं मिली। अगर कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिली है तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका त्रुटि रहित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 या इस तरीके के क्वेश्चंस में आपका यही आंसर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी स्मृतियां हमें याद दिलाती हैं कि क्या खो गया है जिसकी वजह से हमें अपना आज, जिसकी वजह से हमें अपना आज का यथार्थ खंडित लगता है। क्या जिसकी, मैं उस टाइम से पढ़ रही हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया होगा यहाँ पे क्या लिखा है और मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ जिसकी वजह से और इसमें क्या लिखा है, जिसमें वजह से, यानी कि यही आपका गलत हो गया ना, तो ये गलत, यानी कि यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही समय पर सोना, उठना, नहाना व स्वच्छता का ध्यान रखना, भोजन खाते पकाते समय हाथों की सफाई अच्छे स्वास्थ्य की ओर पहुंचाते हैं। यानी कि ये सारे सेंटेंस हैं जो सही लिखे हुए हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आपके लाइक्स आते हैं तभी हम और ज्यादा कुछ नया लाने के लिए आपके लिए मोटिवेट होते हैं। क्योंकि अगर भाई आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो हम क्यों आपके लिए कुछ नया, हमें भी लगता है हमारे बच्चे हमारे लिए इतना कर रहे हैं, उनको हमारा वीडियो इतना पसंद आ रहा है, भाई मेरे बच्चे भी अब मेहनत कर रहे हैं, उनको भी कहीं अच्छी जगह पे पहुंचना। और जब आप ही एकदम से ऐसे पड़े हुए हैं, लेजी बने हुए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कहीं पे कुछ नहीं, तो बताइए भाई, आप जब मोटिवेट करेंगे हम लोगों को तभी तो हम आपके लिए कुछ नया करके लाते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो फटाफट से कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको, और आप हमारे वीडियोस को देखें सबसे पहले। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, समय एक ऐसा अमूल्य धन है, जो समय है वो एक ऐसा अमूल्य धन है जिसका लौट कर आना असंभव है। सही बात है भाई, जो आज चला जाएगा वो कभी लौट कर नहीं आएगा। हर दिन हम अनेक वस्तुएं खोकर पा सकते हैं, भाई वस्तु खो गई तो हम पा सकते हैं, उन्हें बढ़ा सकते हैं, परंतु खोया समय अभी लौट कर नहीं आता। कुछ गलत लगा कि नहीं लगा भाई, नहीं लगा ना, लेकिन गलती तो है यहाँ पे।
कभी लौट कर नहीं आता। क्या? खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, यानी कि यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर से मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, ऐसे ही कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर।